मारू नाम आशा कैलाश जी जोजावरा छे। आजे नारायण मठ मंदिर छे, संन्यास आश्रम नारायण मठ मंदिर लाल दरवाजा। अहीं अमे मारवाड़ी समाज अनेक पत्ते प्रकारना उद्यापन करीए छे। आजे छे मच्छ बारस गाय अने एना वाछरडानी पूजा थाय छे। अहीं आजे समूह उद्यापन छे सात महिलाओनुं, तो सात महिलाओं द्वारा स्वर्णकार समाजनी महिलाओं द्वारा आजे उद्यापन छे। गायनी पूजा करवामां आवे छे, गायना पूछडानी पूजा करवामां आवे छे, अने जे कई दान दक्षिणा होय ते गायना जे साथीदार होय एने आપવામાં આવે છે અને મંદિરમાં આપવામાં આવે છે। આયોજન છે સવારના 8 વાગ્યાથી બપોરે 2 વાગ્યા સુધી આયોજન, એમાં 150 જેવા બૈરાઓ જોડાયેલા છે। આજે આયોજન છે, આપણે બચ્છ બારસનું આયોજન છે, ભજન કીર્તન છે, ગાયની પૂજા છે, વાછરડાની પૂજા છે, એમાં બધા બહુ સામાન લઈને આવેલા છે, તો એ સામાન ગાયને આપવામાં આવે છે, અને ભોજનની પણ વ્યવસ્થા બનાવેલી છે। સાત મહિલાઓનો સમૂહ છે, એ સાત મહિલા મળીને ઉદ્યાપન કરતી આવેલી છે। મારા સમાજની મહિલાઓને હું એક મેસેજ આપવા માગું છું કે આપણા સમાજમાં બહુ જ વ્રત વર્તોલિયા થાય છે, બહુ વ્રત થાય છે, તો મારે એક જ છે કે બધા સમૂહગણમાં મળી અને ઉદ્યાપન કરો। એનાથી આપણા સમાજની એકબીજાની ઓળખાણ થાય અને જે પટ્ટીવાદ છે એ પટ્ટીવાદ પણ દૂર થઈ જાય ઉદ્યાપનથી। જય ગૌ માતા। मैं मनीषा सोनी, आज ये नारायण मठ में ब्राह्मण स्वर्णकार समाज की तरफ से उद्यापन है, और आज ये वर्ष बारस का जो शुभ दिन है, और आज ये व्रत बच्चों के लिए किया जाता है। माएँ 6 बजे तक भूखी रहती है, फिर उसके बाद में कुछ खाती नहीं है। आज के दिन मक्खी और ये सब खाती है बिना काटे, और ऐसे खेत खलिहान वाली जो चीज़ें वो नहीं खा सकती है, और बड़ी श्रद्धा से ये व्रत करती है, गौ माता की पूजा करती है और बछड़े की पूजा करती है, और अपने बच्चे की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती है। जय श्री कृष्ण। मेरा नाम ऋचा सोनी है, और आज वर्ष 12 है, और हम ब्राह्मण स्वर्णकार समाज की महिलाएँ सात महिलाओं का उद्यापन कर रहे हैं वर्ष 12 का। ये एक गाय और बछड़े की पूजा होती है इसमें, और बिना काटे और बिना छौके हुए केक पूरे दिन खाते हैं। 6 बजे के बाद महिला कुछ नहीं खा सकती है, और पूरे दिन ऐसे फास्ट नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा खा सकती है। गाय की पूजा करते हैं और इसमें, और अपने बच्चों के लिए ये व्रत करते हैं, और ये व्रत बच्चों के लिए किया जाता है। जय गौ माता।